गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 8:15 और हम सब रेडी होके जा रहे हैं वीरानी समाज का मिलन है हैदराबाद में, उधर मुसापेट मूसापेट समाजवाड़ी। समाजवाड़ी। इधर पापा रेडी होके बैठ गए। बोलो पापा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। क्या मैं एकदम मजा हुआ? इधर देखो ये दोनों चकाचक रेडी होके। चकाचक। चलो श्री कृष्ण गाइस, जय श्री कृष्ण। और एक जिया का इधर एक रूल है, जब से शादी हुई जब से एक भी बार वीरानी समाज के मिलन में नहीं आई है। चलो फिर हम लोग निकलते हैं, लेट हो रहा है। उधर ही है हमारा ब्रेकफास्ट। तो मेहुल भाई को सर्दी हो गई है, तो वो आज शायद फिर बाद में आएंगे, पीछे से बोल रहे हैं जैसा ठीक लगेगा पीछे से ज्वाइन हो जाएंगे। चलो देखेंगे आ रहे कि नहीं आ रहे ब्लॉग में। सर्दी थोड़ी जोरदार हो गई है, सिर सर्दी हो गई भी है, दुख रहा है उसका। सर्दी का सीजन है ना अभी। तुझे कुछ कुछ ही तो मुझे तो होती रहती है, मेरा चलता रहता है। चलो गाइस फिर रखते हैं, समाजवाड़ी में मिलते हैं। जोयो
अभी हम पहुंच गए चेन्नई सिल्क। तो गाइस 7 बजने वाले हैं, पूजा हो गई है और यहाँ पे हमारे मम्मी जी बैठे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कर रहे हो? आरती। कितने करोगे मम्मी? आरती मतलब भगवान की आरती गा रही हूँ, ओम जय लक्ष्मी नारायण की। ओके। मुझे लगा मेरा नाम बोल रहे हो। तेरा नाम तो दिन भर बोल रहे हो, आरती आरती आरती। मैं भगवान की आरती करूंगी। मैं नीचे थोड़ा कम बैठ सकती हूँ, अभी थोड़ा कमर का दर्द है, तो दर्द तो कम हो गया है लेकिन नीचे बैठना नहीं है। अच्छा, इसलिए बैठ के भगवान का नाम ले, तो खाली भजन करती हूँ तब नीचे बैठती हूँ। पर मम्मी 7 बज गए, पता ही नहीं चला मुझे। यहाँ कैसे हो गए थे सब? आए भी तो लेट थे ना हम लोग। लेट आए थे, लेकिन करीब 5 बजे के करीब आए थे ना हम। नींद भी आ गई, खेल को भी आ गई थी और मैं तो उठ गई थी। हाँ, पर अभी वो तो देखो उठ ही नहीं रहे। मेहुल को सर्दी हो गई ज्यादा, तो दवाइयाँ लिए तो फिर उसको इतनी नींद आ गई, अभी भी नहीं उठ रहा। हम लोग उधर से वापस आए तो नीचे मेडिकल से मैंने मेडिसिन ला के दी थी मेहुल को। मम्मी मेरे को ऐसे बोल रहे कि तू कैसे मेडिसिन लाई थी, वो अब तक सो रहा है। तो सही है, अभी उठा तो नहीं उठता मेहुल। आंखें नहीं खुल रही उनकी, सर्दी बहुत हो गई उनको। ऐसे भी सर्दी हो जाती है, महीने में एक दो बार तो हो ही जाती है उनको। उससे भी ज्यादा शायद। तो इसके कारण मैंने डिसाइड किया है, क्या मछली खिलाएंगे उसको। मछली खिलाएंगे इस बार, तो वो फाइनली खिलाएंगे उसको। वो मना करता है ना मछली, मतलब मछली वाली दवा है मालूम होगा, हैदराबाद में खिलाते है ना। अब तो शायद सबको मालूम हो गया है, लेकिन वो अस्थमा वाली वाले को खिलाते हैं, लेकिन ये सर्दी वाले भी बोल रहे हैं खाते हैं तो अच्छी हो जाती है। हाँ, सब लोग ऐसे बोलते हैं, खिला देंगे उसको भी। वो तो मना ही कर रहा है, बोले नहीं इस बार तो लेके जाएंगे। तो आज क्या किया आपने वीरानी समाज के स्नेह मिलन में? वीरानी समाज में स्नेह मिलन में क्या करा? वो देखा सब, सुबह गए थे अपन, 8 बजे निकल गए थे, फिर जाके उधर नाश्ता करा, अच्छा था नाश्ता भी, नंबर वन। मजा आ गया। इडली पचे, उपमा बगा पचे, सो ये वड़ा सो के मेंदू वड़ा, वड़ा मेंदू वड़ा, चटनी सांबर, मतलब मस्त है। तो दोपहर में भी बहुत अच्छा था वो सब। फिर क्या बच्चों को देते प्राइज, वो दिया वो, फिर दोपहर में खाना खाया, फिर 2 बजे चालू होने वाला था, तो फिर हम लोग 2 बजे के आसपास तो हम
फिर मार्केट निकल गए थे। मतलब पूरे दिन का रहता है, सुबह आए नहीं है, हार्दिक और उनके पापा नहीं आए अभी, उधर ही है उसका खाना, हम सबका था लेकिन हम लोग आ गए घर पे, फिर मार्केट से इधर ही आ गए, उधर नहीं गए। और मार्केट में भी ऐसा हो गया कि हम लोग पहले चेन्नई में गए तो वहाँ तो ज्यादा कुछ इतना पसंद समझ नहीं में आया। ऐसे होता है मम्मी, स्पेशली जाए ना लेने तो नहीं मिलती है। गए हम लोग साउथ इंडियन, साउथ इंडिया गए। मैंने मैंने थोड़ा ज्यादा फोर्स करके बोला था मैं उनको कि चलो लेके चलो, वो तो ना बोल रहे थे आज संडे, आरती जीत करके ले गए उसको, नहीं चलो चलो तो गए। साउथ इंडिया में बहुत भीड़ थी, सभी जगह संडे को भीड़ ही रहता है, इसलिए बहुत भीड़ रहती है सब में। पार्किंग का प्रॉब्लम, बुलेट पार्किंग भी नहीं थी ना। तो मम्मी क्या बनाएंगे डिनर में? मैं उनको साथ दिए तो फिर वो दूसरा तो उसको कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मुंह का स्वाद ही चला जाता है उनका, तो फिर उनको चाय पसंद है, चाय बटर रोटी। तू बोल रही ब्रेड चाहिए तो ब्रेड लेके आए, ब्रेड बटर खाऊंगा, ब्रेड खा लेगा वो, मेरे को तो ब्रेड पसंद नहीं है, मेरे लिए रोटी बनाना। उनको बोलूंगी तो बोलेंगे चाय और पराठे बना दे, या चाय नहीं और पराठे नहीं, कोई नहीं हल्का। तो गाइस मिलेंगे बाद में, ओके। तो फ्रेंड्स अभी हमारा डिनर टाइम हो गया है, और आज डिनर में ब्रेड, चाय, कचौड़ी और कचौरी। चलो गर्मा गर्म चाय, तारा तो करी चाय बनाए में तो दूसर लिए जो आवाज भी भेई गयो जो हमने ठीक लागे रु, तो दवा खा दी थे पछे इतले की दवा जे वो बना ली मम्मी। मैं तो नहीं हूं, मैं चाय नहीं है, दूध कम चाय, चाय पत्ती ज्यादा डार्क रात को नहीं पीना चाहिए चाय, इसलिए मैंने चाय पत्ती कम करी और दूध में चाय। साहब को बच्चे के जैसे उल्लू बना रहे, उल्लू चलता है मेरे के ब्लड। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको डिनर के बाद। तो गाइस 11:30 बज रहे और यहाँ पे हमारे साहेब की सेवा चाकरी चालू है अभी, ये टाइम पे भी हम उनको काढ़ा बना के दे रहे हैं कि सर्दी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा फील हो रहा है, बेटर? गला अभी नहीं दुख रहा है, सुबह से अच्छा है, सुबह से बेटर है। तो थैंक यू बोलो मम्मी को जिसने काढ़ा बना के दिया। थैंक यू मम्मी, वेलकम। तो नींद नहीं आ रही, बहुत सो ली अब, वो गोली खा के सो गए थे तो अभी एक गोली और है, वापस से दे दूं? हो जाएगा अच्छा, तो अच्छा है। कल ऑफिस जाना है। हाँ कल ऑफिस जाना है ना फिर। ठीक है ठीक है, तो ठीक है गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, बाय 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 बाय।